आपका हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के थापन अब आपको चैप्टर वन नंबर वन क्लास सिक्स अपने शुरू करते हैं नोविंग आवर नंबर्स कि हमें नंबर ये कहाँ से प्राप्त हुए, हमने किस तरह से सीखे, तो हम आज इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या था कि प्राचीन काल के अंदर मनुष्य ने यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स एगो मैन लिव्ड इन जंगल्स, आदमी जंगल में रहता था। उसको ज्ञान नहीं था नंबर्स का कि उसने या तो कंकर इस तरह से इकट्ठे किए या उसने छोटी छोटी लकड़ियां उठा करके इस तरह से काउंट की या उसने जमीन पे इस तरह से लकीरी डाल करके उसने काउंटिंग शुरू की। धीरे धीरे उसने नंबरों को सीखा। जिन नंबरों को हमने कहा नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सोन यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सोन। इन नंबरों को ही हमें नेचुरल नंबर हमने कहा क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, इसलिए इनको हमने कह दिया नेचुरल नंबर। और हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो इट मीन्स कि नेचुरल नंबर है वो 1 से हमें प्राप्त होते हैं। इनको हमने एन से डिनोट किया, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सोन यानी कि स्टार्ट बाय 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। अब ये इसके डिजिट कहलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इज कॉल्ड डिजिट, ये इसके अंक कहलाए। अब इन्हीं अंकों से हम नंबर की कैसे संरचना करेंगे, हम नंबर कैसे बनाएंगे यानी कि फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स बाय द गिवन डिजिट्स। अगर हमें अंक दिए हुए हैं, डिजिट दी हुई है, तो हम उससे नंबर कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो हमें डिजिट दे दी, अंक दे दिया और हमने नंबर्स कैसे बनाए, संख्याएं कैसे बनाई, संख्याएं हमने कैसे बनाई। जैसे नंबर दे दिया हमें 1, 2, 3, 4, हमने इसे नंबर को कैसे बनाया। जैसे मैंने पहले ही लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 यानी कि 1234, 1234 या 1234। इन नंबरों से एक नंबर तो ये बन गया, दूसरा नंबर भी हम मान लो जैसे इस तरह से बनाते हैं 2, 3, 4, 1 यानी कि 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 यानी कि 2341 यानी कि 2341 हमने ये भी बना लिया। आप इस तरह से बना सकते हैं 3421 यानी कि 3421 3421। इट मीन्स इन डिजिट से हम कई प्रकार के नंबर बना सकते हैं। मान लो हम एक एग्जांपल और लें जैसे 5, 6, 7, 8 ये हमें डिजिट दे दी, अंक दे दिए, इन अंकों से हम नंबर कैसे बनाएंगे।
तो जैसे मान ले किसी बच्चे ने लिखा कि सर मैं तो पहले ये लिखूंगा 5 6 7 8, इट इज राइट कि पहले उसने 5 लिख दिया, फिर 6 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। सेकंड बॉय से टू कि वी राइट फर्स्ट 6 7 8 एंड 5, उसने इस तरह से बना दिया। तीसरे बच्चे ने 8 पे ले दिया, 8 7 ले दिया, 8 7 8 6 5 इस तरह से बना दिया। यानी कि अगर हमें अंक दिए हुए हैं तो हम उससे नंबर बना सकते हैं। नंबर जैसे उसने दे दिया 5 6 7 8, हम इससे ये भी बना सकते हैं कि 5 को फर्स्ट में लिख दिया हमने, 6 7 8 टुवर्ड राइट, 6 7 8 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 8 6 5 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम नंबर्स को बना सकते हैं एटसेट्रा। यानी कि अगर हमें 3 डिजिट दे दे, चाहे 4 डिजिट दे दे, चाहे 5 डिजिट नंबर्स लिख दे, तो हम इस तरह से उससे नंबर बना सकते हैं। अब मान लो हमने नंबर बना लिए, एक इस तरह से बना दिया, सेकंड टाइम इस तरह से बना दिया, थर्ड टाइम इस तरह से बना दिया, फिर फोर्थ टाइम इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया। मान लो इसने 5 डिजिट दे दी, जैसे उसने दे दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसने 6 डिजिट दे दी। तो इस 6 डिजिट से हम नंबर कैसे बनाएंगे? तो अगर हमारे पास डिजिट 6 है तो 6 डिजिट नंबर ही वो होगा। जैसे मान लो एक ही बना दे, 1 2 3 4 5 6, उसने इस तरह से बना दिया नंबर। दूसरा ने इस तरह से बना दिया, 6 को पहले लिख दिया 5 4 3 2 1, ये भी बन गया। उसने इस तरह से भी लिख दिया कि 5 को पहले लिख दिया, 6 को बाद में लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 2 लिख दिया, इस तरह से भी बना दिया। तो हम इस तरह से डिजिट को बनाते हैं। जैसे हमने ये नंबर बनाए, ये फिगर्स कहलाते हैं। फिगर्स यानी कि उनका चेहरा कैसा है, 6 का चेहरा कैसा है, 5 का चेहरा कैसा है, इसका मतलब ये फिगर्स, इन फिगर्स कहलाते हैं। जब हम अंकों को वैसे के वैसा लिख दिया, इस तरह से उस ये फिगर कहलाए। अब इन वर्ड्स, वर्ड्स में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से हम इसको काउंट करते हैं कि ये हो गया 1s 10s 100s 1000s 10000s and lakh। इकाई हिंदी में इसको कैसे करेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 लाख, 5 लाख, 64,000, इट मीन्स 1s 10s 100s 1000s 1000s and 10000s वी राइट टुगेदर। हम दोनों को एक साथ में लिखते हैं क्योंकि ये एक ही पीरियड में आते हैं, एक ही क्लांस में आते हैं। ये इसको क्या करेंगे? 64,000 312 हम इस तरह से इसको इन वर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये नंबर्स हमारे पास, जैसे मान लो ये आ गया 1 6 2 3, ये इन फिगर्स है। हम इनको इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो हम पहले काउंटिंग करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ से, ये 1s 10s 100s and 1000s।
तो 1000 100 प्लेस पे 600 23 इस तरह से हम इनको वर्ड्स में लिखते हैं। तो हमने नंबर बनाने सीखे, उसके बाद में इन फिगर्स इन वर्ड्स में हमने लिखा, उसके बाद में आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कि हम नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे। और जहां कंपैरिजन्स का आ जाता है अर्थ, कंपैरिजन मींस हम दो नंबरों की तुलना करेंगे, वन इज ग्रेटर एंड वन इज समोला, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कंपैरिजन कहलाता है। तो फर्स्ट वी टेक टू नंबर्स एंड वी डिस्कस ऑन द कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज समोलर। तो वी टेक टू नंबर्स 5, 6, 7। फर्स्ट वी टेक टू वन डिजिट नंबर्स 6 and 5। तो 6 इज ग्रेटर एंड 5 इज स्मॉलर। तो वी यूज दिस सिंबल, यानी कि ओपन माउथ, विच नंबर इज ग्रेटर हैज ओपन माउथ, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है, और जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। नाउ वी टेक टू नंबर्स 56 सपोज 55। तो फर्स्ट वी कंपेरिजन टू नंबर्स, विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो नाउ वी काउंट लेफ्ट हैंड साइड, कि हम इस हाथ की तरफ से काउंट करेंगे। सपोज कि 5 and 5 इज इक्वल, कि उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पहली डिजिट है वो सेम है, तो हम फिर राइट हैंड साइड की तरफ से चलते जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। नाउ वी कंपैरिजन सेकंड डिजिट टू लेफ्ट, हम लेफ्ट से दूसरी डिजिट का कंपैरिजन करते हैं, तो ये 6 and 5, इट मींस 6 and 5 विच इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर फ्रॉम 5, कि 6 बड़ा है किससे, 5 से। तो इसका इट मींस कि 56 इज ग्रेटर देन 55, कि 56 है वो 55 से ग्रेटर है, यानी कि 56 से बड़ा है। नाउ वी गेट मोर नंबर्स 5, 6, 3 एंड 5, 4, 4, 7, 3। हम राइट हैंड साइड से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम हमेशा कंपैरिजन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, कि हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से है 4, 5 and 4, तो 5 greater than 4, इट मींस कि 563 इज ग्रेटर देन 473, कि 563 बड़ा है किससे, 473 से, यानी कि 563 इज ग्रेटर 473 से बड़ा है। इस तरह से हम इसका कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद में हम इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे मान लो कभी कभी हम इसकी टेबल के बनाकर भी हम करते हैं, जैसे मान लो 5, 6, 2, 3 है एंड 6, 5 and 2, 3 है, तो हमने इस तरह से टेबल बना ली और इसके टेबल के ऊपर हमने इस तरह से इसके कॉलम कर दिए,
ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड, ये हो गया थाउजेंड, और ये हो गया टेन थाउजेंड, और ये हो गया लाख। हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। तो हम जैसे पहले मान लो इसको लाख तक लिखते हैं, इसको टू लिख लेते हैं, इसको भी टू लिख देते हैं। नाउ वी कंपैरिजन कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हम इस पे कंपैरिजन करते हैं। देखो कि पहले हम इस नंबर को इसमें डाल देते हैं। देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड लाख, वंस टेंस थाउजेंड टेन, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। तो टेन थाउजेंड में टू फाइव सिक्स टू थ्री, वंस में थ्री, टेंस में टू, हंड्रेड में फाइव, थाउजेंड में सिक्स एंड टेन थाउजेंड में टू। नाउ वी कंपेरिजन ऑफ दीज टू नंबर्स, विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज ग्रेटर। तो फर्स्ट वी स्टार्ट, फर्स्ट नंबर टू इज इक्वल टू टू, टू टू दोनों में सेम है, कंटिन्यू लगातार है। सेकेंड फाइव सिक्स, डिफरेंट नंबर्स, दोनों अलग अलग आ गए। तो हम देखें विच नंबर इज ग्रेटर, तो सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव, क्योंकि बड़े की तरफ मुंह बड़ा रहता है और छोटे की तरफ मुंह छोटा रहता है। जैसे हम एक रसगुल्ला खाते हैं, बड़ा रसगुल्ला होगा तो हमें बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, छोटा रसगुल्ला होगा तो हमें मुंह छोटा खोलना पड़ेगा। सेम कंडीशंस, बड़ा है इसकी तरफ मुंह बड़ा होगा खुला होगा, छोटा है इसकी तरफ मुंह छोटा होगा बंद होगा। तो इट मीन्स अब इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, कि ये नंबर बड़ा हुआ। इट मीन्स फाइव सिक्स टू थ्री इज लेस देन टू सिक्स फाइव टू थ्री, कि ये इससे छोटा है। यानि कि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, यानि कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री इज लेस फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री, यानि कि ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री छब्बीस हजार पाँच सौ तेईस बड़ा है पच्चीस हजार छः सौ तेईस से, ये इससे बड़ा है। ये टेबल में तो हो गया। मान लो सपोज करो इसके अंदर हम एक डिजिट और डाल देते हैं, सेम डिजिट कि दोनों के अंत तक हम सेम डिजिट करते हैं। तो सम स्टूडेंट आर इन डाउट कि हम इसको कैसे करें। जैसे मान लो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेवन, या हम लिख देते वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। हम इसको कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो फर्स्ट वी कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो वन इज इक्वल टू वन, कंटिन्यू सेम है, दोनों नंबर इक्वल है। सेकेंड इज इट टू इक्वल टू टू, सेम। थर्ड थ्री इक्वल टू थ्री, सेम। नेक्स्ट फोर इंटू फोर, सेम। फिर नेक्स्ट फाइव इज इक्वल टू फाइव, सेम। एंड लास्ट सेवन ग्रेटर देन सिक्स। हम लास्ट तक गए, बाकी सारी डिजिट सेम आ गई। अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है, कि हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट, ये सेम है, हम लिखते जाएंगे लास्ट तक।
और अंत में हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं एक डिजिट है वो डिफरेंट होगी। तो ये बड़ा हो गया, इट मीन्स 1 2 3 4 5 7 इज ग्रेटर 1 2 3 4 5 6। तो हम इस तरह से कंपैरिजन कर लेंगे नंबर्स का, यानी कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ये कहलाता है शॉर्टकट मेथड। क्या कहलाता है? शॉर्टकट मेथड, कि हम सीधा ही शॉर्ट तरीके से हम इसकी काउंट कर लें। अब आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम ए, ऑर्डर पहले क्या आ गया? ए आ गया, और कहां जाएंगे? एस तक। इसका मतलब कि पहले छोटा आएगा, उसके बाद में बड़ा आएगा, उसके बाद में बड़ा आएगा, उसके बाद में बड़ा आएगा, यानी कि स्टार्ट में स्मॉलर नंबर होगा और बाद में ग्रेटर नंबर होगा। असेंडिंग ऑर्डर इज ए ऑर्डर, इज द ऑर्डर इन विच द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर एंड द लास्ट नंबर इज ग्रेटर, यानी कि छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में। हिंदी में इसको कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर। जैसे मान लो हम किसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेन है, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, सपोज करो ये उससे बड़ा है, सपोज करो ये उससे बड़ा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर इज द ऑर्डर इन विच द फर्स्ट नंबर इज द स्मॉलर एंड लास्ट नंबर इज द ग्रेटर। फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, एंड बुक्स ये इससे बड़ी हो गई, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। तो इसी तरह से हम कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल यानी कि असेंडिंग ऑर्डर्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन्थ स्टेप इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। Now we write some numbers on the blackboards and we discuss which number is smaller and which number is greater, कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। देखो यह गया 2 8 5 6 and next 101, next we write 50 and we write 100. It means first we write which number is greater and which number is smaller. So first we count digit. हम सबसे पहले अंक काउंट करेंगे कि किस नंबर के अंदर सबसे कम डिजिट है, अंक है, किस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट। देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 50 है, सो ओनली 2 डिजिट्स रिमेनिंग, 3 डिजिट्स 3 डिजिट एंड 4 डिजिट्स। इसका 50 में 2 डिजिट है, इसका मतलब 50 छोटा होगा, 50 स्मॉलर नंबर। एंड ज्यादा डिजिट किस में है? मोर डिजिट 1 2 3 4 इसमें 4 डिजिट है,
तो आ गया 2856। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 2856, 2856, एंड इट हैज 4 डिजिट एंड 50 इट हैज ओनली 2 डिजिट। इट मींस 50 इज स्मॉलर नंबर एंड 2856 इज ग्रेटर नंबर, एंड स्मॉलर एंड ग्रेटर। नाउ 2 डिजिट इज मोर, वी काउंट 3 डिजिट 1 2 3 एंड 1 2 3, डिजिट आर सेम, इट हैज 3 डिजिट, इट हैज आल्सो 3 डिजिट। इसमें भी कितने अंक? 3। इसमें भी कितने अंक? 3। हम इनका स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, हम इस हाथ से काउंट करते हैं। देखो 1 एंड 1 दोनों क्या है? इक्वल। 0 और 0 दोनों क्या है? इक्वल। लेकिन यहाँ 1 और यहाँ 0 है, तो 1 इज ग्रेटर, 0 इज स्मॉलर। तो इट मीन्स कि ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, तो हम यहाँ 100 लिख देंगे और यहाँ 101 लिख देंगे, ये सबसे बड़ा है। अब इस तरह से हम कंपेरिजन कर लेते हैं और साथ में डिफरेंट यानी कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, अपने और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि काफ़ी बड़े एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8, 6 एंड 429, सेकंड 5, 7, 6 429 एंड 5,86,593 एंड 5,86,529। तो पहले हम कंपेरिजन करते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर आफ्टर वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर्स। पहले हम इन दोनों की तुलना करते हैं कि कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो द ग्रेटेस्ट नंबर्स, एंड कौन सा नंबर सबसे छोटा है, द स्मॉलर नंबर। तो देख, फर्स्ट वी काउंट द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 All numbers have equal digits। सभी के अंदर जो अंक है वो बराबर है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 सभी के अंदर है। तो हम कंपेरिजन कैसे करें? देखो पहले हम ले 5, 5, 5, 5 सभी में सेम है। अब हम राइट की तरफ आते हैं, 8, 7, 8, 8 इट मीन्स दीज आर सेम, ये सेम है, लेकिन इसमें 7 है। इसका मतलब ये नंबर क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। इन में से ये नंबर क्या है? सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो फर्स्ट वी राइट इट 1, 7, 6, 2। नाउ वी रिमूव द दिस नंबर्स, हम इस नंबर को हटा देते हैं, इस नंबर को हमने हटा दिया। अब हमारे पास कितने बचे? ओनली 3 नंबर्स। नाउ अगेन कंपेरिजन, 5, 5 एंड 5 आर इक्वल, 8, 8 एंड 8 आर इक्वल, 6, 6, 6 आर इक्वल, 4, 5 एंड 5 दीज आर सेम, 4 इज स्मॉलर। इट मीन्स इन तीनों में ये नंबर है वो छोटा। वी राइट दिस 5, 8, 6, 4, 29 अब नाउ वी रिमूव दिस नंबर्स एंड लास्ट वी हैव ओनली 2 नंबर्स। कि 3 डिजिट सेम, सेम, 4 डिजिट सेम, सेम, 2 एंड 9 इट मीन्स दिस इज स्मॉलर,
5,86,529 एंड लास्ट 5,086,593। तो हम इस तरह से नंबर्स का हम कंपैरिजन हो जाएगा और साथ में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया, तो जहाँ असेंडिंग है वहाँ डिसेंडिंग भी होगा, क्योंकि जहाँ राम का नाम आता है वहाँ रावण का भी आएगा, ये आप जानते होंगे। तो अगर असेंडिंग है इसके साथ डिसेंडिंग भी होगा, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। अब कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम कैसे लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा होगा बिल्कुल। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से था, बढ़ते हुए क्रम में, ये था असेंडिंग, इसको हम उल्टा लिख दें, इस तरह से उल्टी बना दें, ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल उसका अपोजिट होगा ये। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स हम इसका उल्टा लिखें कि जैसे मान लो हमने कुछ डिजिटे ले ली, पहले हम सिंपल से लेते हैं, जैसे मान लो 7 है 6 है, पहले 1 से लेते हैं डिजिट से, इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो 6 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम पहले 7 को लिखेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, यानी कि बड़ा देखो ऊपर है, कहाँ आ रहे हैं छोटी की तरफ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हम नीचे जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 7 बड़ा है किससे, 6 से, इस तरह से। अब मान लो 2 डिजिट ले लेते हैं, 87 और 86, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो देखो दोनों में सेम डिजिट आ गई, ये बड़ी आ गई ये छोटी आ गई, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब मान लो 3 डिजिट आ जाए, जैसे 7, 3, 4 और 7, 4, 3, तो पहले हम लेफ्ट का कंपेरिजन करते हैं, लेफ्ट डिजिट का इक्वल है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये बड़ा हो गया 7, 4, 3 greater 7, 2, 3। इस तरह से हम डिसेंडिंग में यानी कि घटते हुए क्रम में जाएंगे, और हिंदी में इसको कहते हैं अवरोही क्रम, और उसको हम कहते हैं आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर को। तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है, जैसे मान लो कोई 4 डिजिट नंबर आ जाए, जैसे मान लो ये आ जाए 7, 8, 3, 4, 9, 7, 3, 4 और 8, 7, 6, 3 और 9, 6, 4, 3, इसको हम हाउ टू राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, क्या हम उसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट 8, 8, 8, 9, बोथ नंबर आर, और हम एक बार छोड़ देते हैं, रिमूव द नंबर्स, लेफ्ट द नंबर्स, फिर वी कंपेरिजन टू नंबर्स, 9, 9 सेम एंड 7, 6, 7 इज ग्रेटर, फर्स्ट वी राइट 7, 6, 4, 3 greater 9, 6, 4, 3। नाउ वी कंपेरिजन दीज टू नंबर्स, 8, 7, 8, 7 इज सेम 3 एंड 6, 6 इज ग्रेटर एंड 3 इज स्मॉलर, इट मीन्स ये बड़ा है ये छोटा है, इसके बाद हम लिख देंगे 8, 7, 6, 3 एंड 8, 7, 3, 4। इस तरह से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं।
तो ये तो हो गया आपका डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स।